हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डू व्हाइल लूप पढ़ा है और व्हाइल लूप पढ़ा है लूप्स के अंदर, जिसमें डू व्हाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप था और व्हाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप था। अब हम एक और एंट्री कंट्रोल लूप पढ़ने वाले हैं जो इन दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। वो है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप हमारा जो होता है वो एक व्हाइल लूप की तरह ही वर्क करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। और वो डिफरेंस क्या होता है, व्हाइल लूप में हमको नंबर ऑफ इटरेशंस पता नहीं होते हैं कि कितने होने वाले हैं, बट फॉर लूप में, क्योंकि इस तरीके से हमारा सिमेट्री होता है, फॉर लूप का सिंटेक्स इस तरीके से लिखा जाता है कि हमें फॉर लूप में पता रहता है कि एक्यूरेटली कितने हमारे नंबर ऑफ इटरेशंस लूप के होने वाले हैं। तो फॉर लूप का सबसे पहले हम सिंटैक्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर कीवर्ड, पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखते हैं बहुत सारी चीजें, राइट, वो अब हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम लिखते हैं बॉडी ऑफ लूप, राइट। पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं इनिशियल एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं इनिशियल एक्सप्रेशन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं इनिशियलाइजेशन, फाइन। उसके बाद हम यूज करते हैं एक सेमी कॉलन का। उसके बाद यहां पर हम यूज करेंगे अपडेट एक्सप्रेशन, या सॉरी हमारा टेक्स्ट एक्सप्रेशन या कंडीशन। तो हम यहां पे लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन के बाद फिर हम सेमी कॉलन लगाते हैं और लास्ट में हम यूज करते हैं अपडेट एक्सप्रेशन या मॉडिफाई करने का एक्सप्रेशन, जो भी हम यूज कर रहे हैं। तो अपडेट एक्सप्रेशन। तो हम जो भी चीजें डू व्हाइल और व्हाइल लूप में लूप के बाहर लिख रहे थे, वो सब कुछ हमारा फॉर लूप के पार्ट का ही पार्ट हो गया। और इसका सिंटेक्स हमें इतना इजी रहेगा, और हमारे जो जितने भी प्रोग्राम्स अभी तक हमने व्हाइल डू व्हाइल लूप्स के थ्रू करे हैं, उनको हम बहुत इजीली फॉर लूप के थ्रू कर सकेंगे। तो इसका हम सबसे पहले समझेंगे हमारा क्या फ्लो किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले फॉर लूप में एंट्री होगी कंपाइलर की। फॉर लूप में एंट्री होने के बाद ये तीनों चीजें जो हमारे पास लिखी हैं, 1, 2, 3 हम जिनको बोल सकते हैं, सबसे पहले रीड करता है कंपाइलर इनिशियलाइजेशन पार्ट। तो सबसे पहले फॉर लूप के अंदर होगा इनिशियलाइजेशन, फाइन। उसके बाद जब फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइजेशन हो गई, उसके बाद सेकेंड स्टेप होगी हमारी कंडीशन चेक। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में अब होगा हमारा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट, दैट मींस थर्ड स्टेप हो गई लूप की बॉडी। और वो कब हो रही है, जब कंडीशन क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। इसके बाद यहां पे लिखेंगे हम बॉडी ऑफ लूप, फाइन। बॉडी ऑफ लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारा होता है अपडेट एक्सप्रेशन। तो उसके बाद अब होगा हमारा यहां पर अपडेट एक्सप्रेशन, फाइन। अपडेट एक्सप्रेशन होने के बाद जब जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा, इटरेटिव वैल्यू होगी, वो अपडेट होने के बाद, मॉडिफाई होने के बाद, वापस से कंट्रोल कहां जाएगा, कंडीशन पर, और फिर से कंडीशन यहां पर चेक होगी। तो ये सिनेरियो था जब हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू हुआ, बट जब कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स, उस केस में डायरेक्टली लूप की बॉडी के बाहर एग्जीक्यूट हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा हमारा फॉर लूप। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है हमें इसमें क्या, कि इनिशियलाइजेशन फॉर लूप का सिर्फ एक बार वर्क होता है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती है। कंडीशन चेक होने के बाद हमारा अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा अपडेट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है, ये वाला, और फिर उसके बाद हमारा सेकेंड इटरेशन स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड इटरेशन में अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम लूप की बॉडी के बाहर आ जाएंगे। अगर फॉल्स नहीं होती है तो फिर वापस कंडीशन चेक होने के बाद फिफ्थ स्टेप अगर ये हो गई तो वापस हमारा सिक्स्थ स्टेप होगी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन होगा। इसी तरीके से हमारा लूप का इटरेशन वर्क करता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार वर्क करेगा, राइट। एक हमारा जो प्रोग्राम था जो हमने डिस्कस करा था, किसमें, व्हाइल में भी और डू व्हाइल लूप में भी, वो है हेलो वर्ल्ड को 10 बार प्रिंट कराने का। उसी को हम इसमें किस तरीके से लिखेंगे,
हमारे पास क्या था, एक वेरिएबल था आई, जिसकी वैल्यू हमने, इनिशियल वैल्यू हमें पहले देनी पड़ रही थी, अब हमें इनिशियल वैल्यू देने की जरूरत नहीं है. सो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर इनिशियल वैल्यू वन सेमीकॉलन आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन भी दे दी सेमीकॉलन, अपडेट एक्सप्रेशन आई प्लस प्लस. अपडेट एक्सप्रेशन भी हमें लूप की बॉडी में अलग से लिखना पड़ रहा था. उसके बाद ब्रेसिस के अंदर एक प्रिंट एफ जो कि प्रिंट करा रहा है हेलो वर्ल्ड \n और क्लोज. बस इतने प्रोग्राम, इतना लिखने की जरूरत है और हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट हो जाएगा. इसकी वर्किंग किस तरीके से चल रही है, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू आई की असाइन हुई आई इक्वल्स टू 1, फिर उसके बाद कंडीशन चेक हुई 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो ट्रू हो गई कंडीशन, तो फिर हमारा यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया. तो सेकेंड स्टेप ये हुई, थर्ड स्टेप हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया. फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप आई प्लस प्लस हुआ, दैट मीन्स 1 से वैल्यू क्या हो गई, अब 2 हो गई, आई की वैल्यू 2 हो गई. जब 1 से वैल्यू आई की वैल्यू 2 हो गई तो यहाँ पे वापस से कंडीशन चेक हुई, दैट मीन्स फिफ्थ स्टेप 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, फिर सिक्स्थ स्टेप वापस प्रिंट एफ होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा. तो इस तरीके से हमें पता है 10 टाइम्स हमारा फॉर लूप यहाँ पर एग्जीक्यूट होने वाला है. फॉर लूप के टाइम पर हमें ये, व्हाइल लूप के टाइम पर हमको ये पता नहीं था कि नंबर ऑफ इटरेशंस कितने होने वाले हैं. वो डिपेंड करता है कि कितनी बार यहाँ पर हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या अपडेट एक्सप्रेशन जो भी हमने लिखा है वो हो रहा है. फॉर लूप में कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि फॉर लूप अगर सिर्फ इस तरीके से लिखा हुआ है फॉर, दैट मीन्स उसका प्रॉपर सिंटेक्स फॉलो करा हुआ है, जिसमें यहाँ पे दोनों सेमीकॉलन्स, क्योंकि ये जितने भी हमारे इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेट एक्सप्रेशन, ये इटसेल्फ एक स्टेटमेंट है, ये खुद एक स्टेटमेंट है जो फॉर लूप के अंदर हमने लिखे हैं, क्योंकि जहां पर भी सेमीकॉलन हमने लगाया दैट मीन्स वो एक स्टेटमेंट था, तो हमने यहाँ पे सेमीकॉलन लगाया. और यहाँ पे कोई अगर स्टेटमेंट्स भी नहीं लिखे हैं उस केस में भी हमारा जो फॉर लूप का सिंटेक्स अगर हमने फॉलो किया है तो यहाँ पे कोई भी सिंटैक्टिकल एरर नहीं आएगी और ये इनफाइनेटली लूप हमारा रन करता ही जाएगा. अगर मैंने यहाँ पर सेमीकॉलन लगा दिया होता इस एग्जाम्पल में, तो उस केस में ये फॉर लूप कंप्लीटली रन होगा, 10 बार इटरेट होगा, आई की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जाएगी, और उसके बाद पूरा कंप्लीटली इटरेट होने के बाद हमारा जो कंपाइलर है प्रिंट एफ स्टेटमेंट के पास जाएगा, हेलो वर्ल्ड सिर्फ एक बार प्रिंट कराएगा, और एक बार प्रिंट कराने के बाद हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो खत्म हो जाएगा. दैट मीन्स ये जो लूप था वो यहाँ एंड हो गया है कंप्लीट एग्जीक्यूट इटरेट होने के बाद. अगर मैंने यहाँ पर किसी पॉइंट पे आई की वैल्यू अगर प्रिंट कराती हूँ तो वो 10 प्रिंट हो जाएगी, 11 प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि 11 हो गया आई की वैल्यू तभी हमारा जो कंडीशन है ये वाला फॉल्स हो जाएगा. फाइन, इसके अलावा हमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके से भी अलाउड है तो दैट मींस इस तरीके से भी अलाउड है. अगर यहाँ कोई वैल्यू नहीं दी है और यहाँ पे मैंने आई इज लेस देन 5 लिख दिया और आई प्लस प्लस लिख दिया है, उस केस में भी यहाँ पर अगर हमने ऊपर लिख दिया है आई इक्वल्स टू 1 तो इस तरीके से लिखना अलाउड है फॉर लूप. इसमें भी कोई भी गलत बात नहीं है. इसके अलावा तीसरी चीज, और अगर मुझे किसी भी प्रकार का इनफाइनाइट लूप लिखना है तो मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ उसको, सिंपली यहाँ पे लिखूंगी फॉर इनिशियल वैल्यू कोई सी भी दी आई इक्वल्स टू 0, फाइन, या दो वेरिएबल्स हैं तो 2 लिए. फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं दी है, बिना कंडीशन दिए ही मैंने अपडेट एक्सप्रेशन लिख दिया आई प्लस प्लस, तो उस केस में ये लूप क्या हो गया, एक तरीके का इनफाइनाइट लूप हो गया और कोई सिंटैक्टिकल एरर यहाँ पर नहीं है. तो यहाँ पे मैं कुछ आपको फॉर लूप के सिनेरियोस डिस्कस कर रही हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं इंट आई एंड जे. अब अलग अलग सिनेरियोस में फॉर लूप किस तरीके से वर्क करेगा वो हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहला जो है हमारे पास आई इक्वल्स टू 1 जे इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स हमारी जो इनिशियल वैल्यूज है आई और जे की वो 1 है और 0 है. उसके बाद यहाँ पे लगा है हमारे पास सेमीकॉलन, दैट मीन्स हमारा अब इनिशियलाइजेशन पार्ट ओवर हो गया, मतलब मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं. उसके बाद है यहाँ पर आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कॉमा लगा है, फिर उसके बाद लिखा है आई इज लेस देन 3.
यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर जिस तरीके से हमारा वर्क करता था, हमने कॉमा ऑपरेटर डिस्कस किया, तो उसी तरीके से यहाँ पे वर्क होगा। ये तो हमारा एग्जीक्यूट होगा ही, लेकिन टर्मिनेशन पॉइंट हमारे इस पर्टिकुलर फॉर लूप का होगा सेकेंड वाला, क्योंकि हम कॉमा ऑपरेटर में भी सेकेंड वैल्यू, सेकेंड एक्सप्रेशन की वैल्यू को असाइन करते थे। पहली वैल्यू इवैल्यूएट होती थी लेकिन वो रिजेक्ट हो जाती थी, और सेकेंड एक्सप्रेशन की वैल्यू फिर हमारी क्या होती थी, असाइन होती थी। वही हमारा यहाँ पे हो रहा है कि ये एग्जीक्यूट तो होगा लेकिन टर्मिनेशन पॉइंट होगा जे इज लेस देन 3। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा सेमीकॉलन है, दैट मींस हमारा कंडीशन पार्ट फॉर लूप का ओवर हो गया। फिर हमारे पास है अपडेट एक्सप्रेशन आई प्लस प्लस। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि हमारा टर्मिनेशन पॉइंट क्या होगा, जे इज लेस देन 3, और हमारे अपडेट एक्सप्रेशन में जे के लिए कोई अपडेट हो ही नहीं रहा है। तो जो हमारा लूप रन करेगा वो किस तरीके से रन करेगा, आई की वैल्यू 1, फिर उसके बाद जे की वैल्यू 0। अगर मैं प्रिंट करा दूंगी आई और जे को, तो वैल्यूज किस तरीके से प्रिंट होगी, पहले आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी, जे की वैल्यू 0 प्रिंट हो जाएगी, कंडीशन दोनों ट्रू हो जाएगी। आई प्लस प्लस हुआ, 1 से 2 हो गया, आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी, बट जे की वैल्यू में कोई अपडेट हुआ ही नहीं है, तो जे की वैल्यू वैसे की वैसे ही 0 प्रिंट हो जाएगी। दैट मींस हमारा इनफाइनाइट लूप हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि सेकेंड जो हमारा कंडीशन है जिसकी वजह से हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट होना चाहिए था, वो कंडीशन हमारी इनफाइनाइट स्टेट में जा रही है, वो कभी फॉल्स ही नहीं होगी, वो हमेशा ही ट्रू रहेगी। तो उस केस में ये लूप हमारा इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। सेकेंड सिनेरियो जब है, जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास आई की वैल्यू है, जे की वैल्यू है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा टर्मिनेटर लगा है, दैट मींस हमारा इंक्रीमेंट यहाँ पर इनिशियलाइजेशन ओवर हो गया है। फिर हमारे पास एक कंडीशन चेक करने के लिए 2 कंडीशंस है, फिर हमारे पास कोमा ऑपरेटर लगा है, तो दूसरी कंडीशन ही क्या होगी, टर्मिनेशन का फैसला करेगी लूप का। फिर हमारे पास यहाँ पे सेमीकॉलन लगा है, दैट मींस यहाँ पे कंडीशन पार्ट ओवर हो गया। फिर हमारे पास आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस है, अपडेट एक्सप्रेशन में हमारे पास दोनों ही वेरिएबल्स को हम अपडेट कर रहे हैं। इस सिनेरियो में हमारा जो आंसर होगा, जो आउटपुट होगा, वो क्या प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 प्रिंट होगी फर्स्ट लूप में, जे की वैल्यू 0 प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट हुआ आई बाय प्लस प्लस 1, तो 2 हो गया और जे हो गया 1, कंडीशन चेक हुई, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो आई प्रिंट हो गया 2 और जे प्रिंट हो गया 1। फिर हमारा आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस हुआ, तो आई हो गया हमारा क्या 3 और जे हो गया हमारा 2, इस वक्त भी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती है, वापस जे प्लस प्लस हो गया 3 हो जाता है और आई हो जाता है 4, बट कंडीशन चेक होने पर ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, इसीलिए ये पूरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा इतना ही आंसर प्रिंट होगा। नेक्स्ट सिनेरियो जो है हमारे पास, यहाँ पर बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, बस कॉमा ऑपरेटर की जगह पर यहाँ पे क्या लगाया है हमने, एंड ऑपरेटर लगाया है, तो दैट मींस दोनों का कंप्लीट आंसर जो होगा, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, दोनों का जो कंप्लीट आंसर होगा इस कंडीशन में, वो हमारा होगा लूप का टर्मिनेशन पॉइंट। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर क्योंकि दोनों ही यहाँ पे यूज हो रहे हैं और ये एंड ऑपरेटर लगा है, तो इसलिए अभी भी यहाँ पर आंसर किस तरीके से प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 0, दोनों प्लस प्लस हो रहे हैं, फिर उसके बाद जे आई की वैल्यू 2 प्रिंट होगी, जे की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, फिर आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 2 प्रिंट होगी। इसके बाद वाले इटरेशन में ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और क्योंकि ये एंड ऑपरेटर है तो उस केस में यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट आंसर होगा इसका फॉल्स हो जाएगा और इतना ही प्रिंट होगा। बट अगर और ऑपरेटर का यूज करा होता तो शायद सिनेरियो कुछ और होता। फाइन, इसके बाद अब हमारे पास है यहाँ पर एक और फॉर लूप जिसमें हमारे पास यहाँ पर किसी भी प्रकार का अपडेट एक्सप्रेशन नहीं लिखा है। ये हमारा हो गया इनिशियलाइजेशन, ये हो गया हमारा कंडीशन, लेकिन ये सिंटैक्टिकली सही लिखा हुआ है फॉर लूप, तो ये कंप्लीटली रन करेगा और कब तक रन करेगा, इनफिनाइटली रन करेगा। इसके बाद लास्ट सिनेरियो है हमारे पास फॉर लूप जिसमें हमारे पास आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 0 और हमारे पास कंडीशन भी है, प्रॉपर कंडीशंस हैं, और उसके बाद हमारे पास प्रॉपर क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपडेट एक्सप्रेशन भी है, लेकिन हमारे पास लूप की बॉडी में कुछ नहीं लिखा होगा, उसके पीछे वजह है, और अगर कुछ लिखा भी होगा, आई और जे की वैल्यू लिखी होगी, अगर यहाँ पे मैं आई और जे की वैल्यू प्रिंट कराने को बोल रही हूँ, तो वो लूप का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या लगा है, सेमी कॉलन लगा है।
सेमीकॉलन लगा होने की वजह से ये जो फॉर लूप है वो कंप्लीटली इटरेशंस पूरे कंप्लीट करेगा. दैट मींस आई की वैल्यू 1 होगी, 0 होगी, फिर उसके बाद आई की वैल्यू 2, फिर जे की वैल्यू 1, फिर आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 2, और इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होने के बाद वैल्यू आई की क्या हो जाएगी, 3, और जे की वैल्यू रहेगी 2. अगर मैं इसके बाद प्रिंट कराऊंगी तो सिर्फ 3 और 2 ही प्रिंट होगा, पूरा जो लूप के कारण ये प्रिंट होना चाहिए था वो प्रिंट नहीं होगा. तो ये सभी चीजों में सिंटैक्टिकल एरर कहीं भी नहीं रहेगा, बस अलग अलग सिनेरियो है कि किस तरीके से फॉर लूप वर्क करता है. चलिए अब इस फॉर लूप में एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, जिसमें हमारे हम एग्जाम्पल में एक नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट कराएंगे. फाइन, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर नंबर है 5, तो 5 का फैक्टोरियल हमें प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होता है फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल. तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3, फिर उसके बाद 2, 3 इंटू 2 6, 6, 6 इंटू 20 120, राइट. तो 5 का फैक्टोरियल हो गया 120. तो मुझे एक प्रोग्राम लिखना है फॉर लूप को यूज करते हुए जो मुझे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, फॉर एग्जांपल हम 5 का डिस्कस कर रहे हैं, तो फैक्टोरियल निकाल के दे सके. उसके लिए हमें पहली बात तो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है. तो वो हमें पता है, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट ये है, अगर मुझे 5 नंबर नहीं होता, तो अगर मैं एन लेती हूँ, कोई भी नंबर यूजर से ले रही हूं मैं, तो उस केस में हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नंबर है एन उसका फैक्टोरियल किस तरीके से निकलता है, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, एन माइनस 4, एन माइनस 4, जहां तक हमारा जा रहा है, दैट मींस एन माइनस हमारा कहां तक जा रहा है, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 4 1, जहां तक हमारा टर्म 1 तक जाएगा, उस वैल्यू तक. फाइन, इस तरीके से वर्क कर रहा है. बट इसको हम प्रैक्टिकली थोड़ी ना लिख पाएंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसके लिए एक ऐसा नंबर चाहिए. अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको उल्टा कर दे रही हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, हमारा जो लूप है उसकी इटरेटिव वेरिएबल अगर मैं आई लेती हूँ या ए लेती हूँ, और वो वेरिएबल को मैं 1 से इंक्रीमेंट कर रही हूँ बार बार मल्टीप्लीकेशन के टाइम पर. हमने जब मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट कराया था तब मैंने आपको ये बात बताई थी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, एन तक, दैट मीन्स जिस नंबर तक हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं. तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करूँ इनिशियल वैल्यू की, तो हमारे पास आई की वैल्यू लेंगे हम 1. उसके बाद हमारा कंडीशन क्या हो रहा है फॉर लूप का, आई इज लेस देन इक्वल्स टू नंबर या एन, जो भी हम नंबर ले रहे हैं, और यहाँ पे इटरेशन हो रहा है आई का आई प्लस प्लस. फाइन, ये हो गया हमारा फॉर लूप के लिए इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, और ये हो गया हमारा अपडेट एक्सप्रेशन. आंसर क्या हो रहा है हमारे पास, आंसर हो रहा है सबसे पहले 5 इंटू 4 होता है, फिर जो इनका आंसर होता है वो इंटू 3 होता है, फिर जो इनका कंप्लीट आंसर होगा वो इंटू 2 होगा, फिर जो इनका कंप्लीट आंसर होगा वो इंटू 1 होगा. अगर मैंने इनिशियली फैक्टोरियल की वैल्यू को एक वेरिएबल का नाम दे दिया, फैक्टोरियल नाम दे दिया, एफ नाम दे दिया, या फैक्ट नाम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट दे दिया है, ठीक है, फैक्टोरियल की वैल्यू को मैंने फैक्ट नाम दे दिया है, और इनिशियली अगर फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले 1, फिर 1 में इनटू क्या हो रहा है, जो भी उस समय की आई की करंट वैल्यू है, दैट मीन सबसे पहले हो रहा है आई फैक्ट इनटू आई, दैट मीन सबसे पहले होगा फैक्ट इक्वल्स टू, फैक्ट की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 1 है, इनटू 1, तो यहाँ पर अब फैक्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी. उसके बाद जो आई का इंक्रीमेंट हो गया बाय 2, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, फैक्ट इक्वल्स टू आई इनटू 2, तो अब फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई, मॉडिफाई होके 2. फिर जब हमारा आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हुआ है फैक्ट इनटू, क्योंकि अब फैक्ट की वैल्यू करंट वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है, 2 इंटू 3, तो यहां पर फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई, 2 इंटू 3 हमारा हो गया 6. नेक्स्ट इटरेशन में दैट मीन्स आई प्लस प्लस हुआ, 6 इंटू 4, अब हमारा फैक्ट का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया है, करंट वैल्यू 24. फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 24 इंटू 5, तो अब यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू चेंज होकर क्या हो गई, 4 इंटू 5 22,
120, फाइन। इसके बाद हम यहाँ पर हमारा जो लूप है वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि आई की वैल्यू जब 6 हो जाएगी तो वो नंबर से कम हो जाएगी। तो बेसिकली हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो रहा है, हमारे पास वेरिएबल्स है इंट फैक्ट नाम का जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 दी है, एन नाम का जो कि नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक आई इटरेशन के लिए फॉर लूप के। फिर हमारे पास यहाँ पर हम फॉर लूप लिख रहे हैं, एन की वैल्यू हमने यूजर से ली, वो प्रिंट एफ स्कैन एफ यूज करने के बाद आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन, आई प्लस प्लस फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, और यहां पर हम प्रिंट करा देंगे वैल्यू फैक्ट की, प्रिंट एफ परसेंट आई डी फैक्ट हमने यहां पर प्रिंट करा दिया, तो उस पर्टिकुलर नंबर का फैक्टोरियल यहाँ पे प्रिंट हो गया है। सो बेसिकली इस तरीके से फॉर लूप वर्क करता है। चलिए इसको अब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो चलिए अब इसको हम हमारे कंपाइलर बटर को C++ पे रन करके देख रहे हैं। हमारी हेडर फाइल्स लिखते हैं stdio.h, फिर हमारा मेन फंक्शन, इसके बाद हमारे वेरिएबल्स, फैक्ट वेरिएबल जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 1 दी थी, आई वेरिएबल जो हम फॉर लूप को इटरेट करने के लिए यूज करने वाले हैं, एन वेरिएबल हमारा नंबर के लिए। के बाद हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज करेंगे। फिर अब हम यूजर से हमारा नंबर ले रहे हैं जिसकी वैल्यू हमें, जिसका हमें फैक्टोरियल निकाल के देना है, तो एंटर द नंबर, फिर हमने स्कैन करा, स्कैन एफ यूज करा, परसेंटाइल डी एम्परसेंट एन। अब हम हमारा यहाँ पर फॉर लूप लिखेंगे जिस तरीके से हमने डिस्कस करा था। आई की इनिशियल वैल्यू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन, एंड आई का अपडेट एक्सप्रेशन इंक्रीमेंट हो रहा है। इसके बाद लूप की बॉडी के अंदर हमने लिखा है फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, के बाद हम प्रिंट करा रहे हैं लूप के बाहर फैक्टोरियल ऑफ परसेंटाइल डी इज परसेंटाइल डी, सो फैक्टोरियल ऑफ एन नंबर इज फैक्ट, गेट सी एच। अब हम इसको सेव कर लेते हैं एक बार और कंपाइल करके देखते हैं एक एरर, ओके, कॉलन की जगह पर सेमीकोलन। हमने इसको सेव करा, कंपाइल करा और ये रन करा। फैक्टोरियल ऑफ 5, 120। अगर दूसरे किसी का फैक्टोरियल देखना हो तो फैक्टोरियल ऑफ 9, तो अगेन हमने कंपाइल करा और हमने रन करा। अब फैक्टोरियल ऑफ हमें देखना है 6 या 7 या 9, तो यहाँ पे ये, क्योंकि हमारा इंटीजर की वैल्यू, इंटीजर की जो हमारा डेटा टाइप है उसका रेंज एक्सीड कर रहा है, इसलिए हम उस रेंज में हम फैक्टोरियल देखें तो हमारे पास आएगा फॉर एग्जाम्पल 4 का, तो 24 आ गया, राइट। अब यहां पर अगर ये प्रिंट है मैंने बाहर ना लिखते हुए अंदर लिखा होता लूप के, दैट मींस यहां ना लिखते हुए मैंने इस लाइन को यहां लिखा होता प्रिंटर,
फैक्टोरियल ऑफ परसेंटाइल डी इज परसेंटाइल डी एन फैक्ट। अब मैं इसको सेव करती हूँ और अब मैं इसे कंपाइल करती हूँ और रन करा, तो क्या चेंजेस आता है आप देखिए। 5 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 1, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 2, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 6, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 24, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। दैट मींस लूप के हर इटरेशन पर फैक्ट की जो भी वैल्यू थी वो उसने वहां पर हमें लिख दी। और क्या हुआ उससे, जो हमें फैक्टोरियल की कंप्लीट फैक्ट की वैल्यू चाहिए थी वो हमने हर एक इटरेशन पे प्रिंट करा ली। तो इस तरीके की गलती यूजुअली करते हैं सब। इसके अलावा अगर मैंने फैक्ट की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज ना करते हुए 0 से इनिशियलाइज करती तो क्या होता, उस केस में हमारा कंप्लीट आंसर ही 0 हो जाता, क्योंकि हम फैक्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई की वैल्यू से, और अगर फैक्ट ही 0 होगा तो कंप्लीट आंसर भी 0 हो जाएगा। इसे मैं कंपाइल करके रन करके बताती हूँ आपको। कंपाइल करा और फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 0। तो इस तरीके से हम फॉर लूप अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल्स में यूज कर सकते हैं।